नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बाढ़ में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो लोग फंस गए थे बाढ़ में, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खेड़ी रायमल सेकरा में कई लोग फंसे हुए थे, ग्वालियर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं जो मौके पर पहुंची और मोटरबोट से उन्हें फौरन से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कई घरों में पानी भर चुका है और खास तौर पर नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं ये बारिश। नदियों के जलस्तर में काफी ज्यादा देखा जा सकता है, जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। और अब यहाँ ग्वालियर में आप देखिए कि जितने भी लोग बाढ़ में फंसे थे उनका रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जिस तरह से 24 घंटे से बारिश हो रही है लगातार, उसके चलते लगभग 200 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। अब ग्वालियर में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और इसी दौरान बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। डबरा के पास सेकरा और खेड़ी रायमल नाम के जो गांव थे वहां कई लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। इन लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची थी और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 50 लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया है। अब जो भी आसपास इलाके में लोग हैं उनको निकालने का और क्रम जारी है। इसमें हैदराबाद से भी जो एनडीआरएफ की टीम विशेष विमान के जरिए वायुसेना के यहाँ पहुंचने वाली है और उसके बाद जो प्रभावित इलाकों होंगे वहां पर भी रेस्क्यू का काम चलेगा, जहां से भी कॉल आएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जलमग्न इलाके हैं वहां लगातार हालात खराब हो रहे थे और उसके चलते हुए यहाँ रेस्क्यू की टीमें जो है लगातार तैनात है। तो कुल मिलाकर सेकरा और खिरी इलाके के लोगों को निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए।